आदमी का अपना विचार है कि वो वैक्सीनेट हो नहीं हो। श्रीमती गांधी के समय लोकतंत्र में इसी तरह की व्यवस्था थी, ये काम नहीं कर सकते। 11 चरणों में चुनाव करने के पीछे क्या मकसद? एक तो कोरोना की स्थिति और दूसरा बाढ़ का स्थिति। हमको ईवीएम 5.5 लाख ईवीएम चाहिए था, हमको प्राप्त हुए मात्र 2,21,000। इस बार का जो चुनाव है, आपको वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये ईवीएम से होंगे, और सरपंच और पंच का जो चुनाव होगा वो आपको बैलेट्स के माध्यम से होगा। बोगस वोटिंग के लिए आधार से लिंक थंब इम्प्रेशन को आधार लिंक किया जाएगा। सितंबर में थर्ड फेव आने की आहट है, और ऐसे वक्त चुनाव कराना क्यों जरूरी समझा? जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो वैक्सीन लें, वैक्सीन नहीं ले तो इस पर इलेक्शन कमीशन विचार भी करे कि वो प्रचार नहीं कर सकते। पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है, यानी इस बार चुनाव के बाद आपके इलाके के मुखिया कौन होंगे, जिला परिषद अध्यक्ष और इसके अलावा प्रमुख सरपंच कौन होंगे, अब उनकी बारी आ गई है। मेरे साथ इस वक्त पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी मौजूद हैं विशेष बातचीत के लिए। सर, सबसे पहले तो लंबा अंतराल है चुनाव का, यानी 24 सितंबर से चुनाव शुरू होता है और दिसंबर तक जा रहा है, तो इस 4 महीने में चुनाव के अलग अलग 11 चरणों में चुनाव करने के पीछे क्या मकसद सरकार का? इसमें दो तरह के कारण है, एक तो कोरोना की स्थिति और दूसरा बाढ़ का स्थिति। और बाढ़ के चलते ही हम लोग पहले 10 फेज का प्लान किए थे, राज्य निर्वाचन आयोग ने भेजा था, फिर बाद में हुआ कि नहीं, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इसको 11 फेज किया गया। पहले फेज में तो मात्र 12 प्रखंड में चुनाव होने हैं, तो इस परिस्थिति में एक पूरा प्रोसेस है कि, और पहले भी जो चुनाव का इतिहास रहा है कि 3 महीने 4 महीने पंचायत चुनाव चलते रहे। और ईवीएम, क्योंकि हमको ईवीएम 5.5 लाख ईवीएम चाहिए था, हमको प्राप्त हुए मात्र 2,21,000, और 1,87,000 हमारा मैच कर चुका है। तो हमको मल्टीपर्पस काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले चाहते थे मल्टीपर्पस ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सम्मति नहीं दिया। तो जब इस पर सम्मति बनी तो 1,74,000 ईवीएम के माध्यम से हमको कई फेज में चुनाव कराने पड़ेंगे। इसका प्रोसेस का टाइम लगेगा, 1 सप्ताह 10 दिन का टाइम लगेगा, ये सारे प्रोसेस को देखना पड़ रहा है। और 2 पद पर हमको बैलेट पेपर से भी चुनाव कराना है, तो सारे प्रोसेस को पूरा करने में समय लग रहा है। और साथ ही साथ चुनाव की प्रक्रिया इसी तरह चलता है, और प्रखंड वार, पहले इस बार का जो चुनाव है, आपको वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये ईवीएम से होंगे, और सरपंच और पंच का जो चुनाव होगा वो आपको बैलेट्स के माध्यम से होगा। और एक टेक्नोलॉजी भी यूज करने का प्रयास किया जा रहा है कि बोगस वोटिंग नहीं हो। बोगस वोटिंग के लिए आधार से लिंक थंब इम्प्रेशन को आधार लिंक किया जाएगा, और इसको आई क्लॉड से जोड़कर दूसरे जगह बूथ नंबर 1 पर उसने वोट डाल दिया तो बूथ नंबर 2-3 पर जाएगा तो वो वोट एक्सेप्ट नहीं होगा। बायोमेट्रिक मशीन जो है उसका, हाँ, उसको पूरी तरह एक सिस्टम में लाकर उसको आई क्लॉड से जोड़कर वो दूसरे जगह वोट देने के अधिकारी नहीं रह जाएंगे। तो ये सारे प्रोसेस किए जा रहे हैं। स्वाभाविक चुनाव लंबा है, क्योंकि 10 फेज के होने चाहिए थे, 11 फेज हो रहे हैं चुनाव, और बीच में सारे फेस्टिवल हैं, मोहर्रम है, आपको दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, छठ पूजा है, दिवाली है, सारे पूजे हैं, तो इसलिए उस छुट्टी को भी देखते हुए चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। आपने चूंकि इस बात का जिक्र किया कि कोरोना काल को ध्यान में रखना है, बाढ़ को ध्यान में रखना है, यूपी में हाल ही में चुनाव हुआ पंचायत चुनाव, और हमने देखा कि किस तरीके से बड़े स्तर पर स्प्रेडर बन गया पंचायत चुनाव, तो बिहार सरकार को आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि पंचायत चुनाव, जब ऐसी स्थिति में सितंबर में थर्ड फेव आने की आहट है, और ऐसे वक्त चुनाव कराना क्यों जरूरी समझा? नहीं, हम लोग पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं यदि ऐसी स्थिति होगी, इसलिए हम लोगों ने शुरुआत से इसके लिए आग्रह किया कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो वैक्सीन लें, वैक्सीन नहीं ले तो इस पर इलेक्शन कमीशन विचार भी करे कि वो प्रचार नहीं कर सके। तो ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी जो लगभग 3 करोड़ के आसपास बिहार में लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, जो 18 वर्ष से अधिक है, क्योंकि मतदाता, कुल मतदाता 6.5 करोड़ है बिहार में, उसका 50% से अधिक लगभग हो चुके हैं लोग जो वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो हम लोग इस पर पूरी नज़र, कोरोना और बाढ़, ये दोनों पर विशेष नज़र है,
कि कहीं भी ऐसी स्थिति झलकेगी तो तुरंत सरकार इस पर इंटरवेन करेगी। ये एक आधार आपको नहीं लगता है कि होना चाहिए इस बार चुनाव में कि जो भी व्यक्ति कैंडिडेट है उसको ये सुनिश्चित करे कि उसने कोरोना की वैक्सीन मतलब सभी डोजेज लिए हुए मतलब फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तभी वो चुनाव लड़ सकता है। देखिए ये एक तरह से आदमी का अपना विचार है कि वो वैक्सीनेट हो नहीं हो, सरकार फैसिलिटी दे सकता है, इसलिए हम लोग प्रेशर नहीं दे सकते। तो सरकार के अनिवार्य करना आपको जरूरी नहीं लग रहा है? अनिवार्य कर सकते हैं लेकिन अनिवार्य करने से लोगों को दिक्कत है, तो बहुत लोग नहीं लेना चाहते तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये तब तो लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था, याद होगा आपको कि नसबंदी का एक मामला आया था श्रीमती गांधी के समय, लोकतंत्र में इसी तरह की व्यवस्था थी। ये काम नहीं कर सकते, ये जरूर कह सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं। नसबंदी का आपने जो जिक्र किया है उससे वैक्सीन कोविड का वैक्सीन लेने में जमीन आसमान का अंतर है। ये तो रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे कल को उनका वैक्सीन लेना, वैक्सीनेटेड होना, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि होंगे तो जब वो जनता के बीच जाएंगे तो उनका वैक्सीन लेना जरूरी है। मैंने कहा कि मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, मैंने कहा कि हम लोगों ने आग्रह किया, बार बार आग्रह किया है कि वो लोग जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो वैक्सीन लेना होगा, लेकिन इसके लिए कानून नहीं बना सकते। एक तरह का मामला इसी का मैं बता रहा हूं कि अभी गुजरात की सरकार ने जो दुकानदार थे उनको वैक्सीनेट करने के लिए अनिवार्य कर दिया था, बाद में न्यायालय में लोग चले गए, न्यायालय ने स्टे लगा दिया कि नहीं इस तरह का आप आदेश नहीं दे सकते। इसलिए मेरा भी मानना है कि हम स्वतंत्र भारत के लोग हैं, यहाँ जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता, आपकी स्वेच्छा से ही हम वैक्सीन लेना चाहे तो लें, सरकार आपको उपलब्ध करा रही है। जैसे नसबंदी के टाइम में हुआ था कि मतलब जरूरी हो गया था, ये उस समय तो नौजवान लोगों का नसबंदी कर दिया गया, जिसने शादी नहीं किया था उनके नसबंदी कर दिए गए, तो जिसके चलते पूरे कांग्रेस की सरकार को फजीहत झेलना पड़ा। तो ये स्वाभाविक है, आदमी को या हमारी सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती है। हम आग्रह जरूर कर सकते हैं कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको वैक्सीन लेना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि चुनाव पंचायत चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली होती है, पिछला चुनाव जो है वो भी विपक्ष को याद है और धांधली हुई। चुनाव के बाद भी जल नल योजना का एक जिक्र आज भी किया जाता है जो कि 7 निश्चय योजना में है। आज भी कई ऐसे गांव हैं, बल्कि मैं आपको गिनवा सकती हूँ कई ऐसे गांव हैं जहां जल नल योजना के तहत नल पहुंचा तो टोटी गायब है, पानी नहीं गिर रहा है, पाइप आधा टूटा हुआ है। तो इस तरीके की जो धांधली होती है इससे कैसे बचेंगे, या इस चुनाव में भी हम उम्मीद करेंगे इस बड़ी धांधली बड़े स्तर पर मिले? नहीं, धांधली नहीं होगा। मैं तो यही आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि लोग अच्छे उम्मीदवार को चुनाव जिताएं। इसमें कोई पार्टी नहीं है, कोई पार्टी का झंडा नहीं लगा सकता, बैनर नहीं लगा सकता है, कोई पार्टी घोषणा नहीं कर सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में जनता के पास निर्दलीय लोगों को जिताने का मौका है, स्वतंत्र उम्मीदवार को जिताना है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि अच्छे लोगों को चुनाव जिताएं, जो आपके यहाँ धांधली नहीं करे, चोरी नहीं करे, डकैती नहीं करे। और स्वाभाविक हम लोग चाहते थे, जो हम लोगों ने नहीं कर पाया, दो तरह के रास्ते करने चाहते थे। एक तो चाहते थे कि जनसंख्या जो विस्फोटक है उस पर भी कानून बने, तो उस पर अभी सहमति नहीं बन पाई। हम लोगों ने नगर निकाय में यह व्यवस्था किया कि 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते, इसको पंचायतों में करना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, ये आगे के दिनों में होगा। दूसरा है कि जो लोग आते हैं चुनाव जीतकर उसका यह पता होना चाहिए कि इनकी संपत्ति क्या है। जिस तरह विधायक सांसद विधान परिषद एमएलसी राज्यसभा जीत कर आते हैं तो उनके पते उनको अफिडेविट करके देना पड़ता है कि हमारे इतने संपत्ति है, और 5 साल जब खत्म होता है तो अनुमान किया जाता है कि इनके बड़े कितने। तो ये सब चीजों को देखने के लिए हम लोग चाहते थे, वो भी हम नहीं कर पाए हैं। आगे के दिनों में इन चीजों को भी फोकस है कि हम लोग गौर करेंगे कि कौन लोग चुनाव जीत कर आया और किन लोगों ने संपत्ति अर्जन की। तो इसके लिए लोक प्रहरी का हम लोग स्थापना कर रहे हैं, जो परमंडलीय स्तर पर इस चीजों की समीक्षा करेगा कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि शिक्षक नियोजन इकाई की अध्यक्षता जो मुखिया सरपंच जिला परिषद अध्यक्ष कर रहे हैं इन दिनों, राज्य में 90,700 से ज्यादा
शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, तो इसको कैसे, क्योंकि अब तो चुनाव का ऐलान हो गया, तो अब ऐसी स्थिति में इसका क्या विकल्प बनता है, कैसे वो लोग अध्यक्षता करें? देखिए, इसमें दो रास्ते बनाएंगे कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को इसको तय करना है कि इसमें क्या एग्जम्प्ट देंगे, और दूसरा शिक्षा विभाग को तय करना है कि ऐसी परिस्थिति में वो क्या, क्योंकि आज चुनाव का डिक्लेयर हुआ तो इन दोनों को गाइडलाइन देना है, क्योंकि हमारे जो तंत्र हैं वो अब चुनाव में जा रहे हैं, पंचायती राज चुनाव में जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतः इस पर संज्ञान लेना चाहिए और शिक्षा विभाग को एक नया मार्गदर्शन देना चाहिए। इसके अलावा सर आप क्या अपील करेंगे जो लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, खासतौर पर इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है पंचायत चुनाव में, तो क्या लोगों से अपील करेंगे आप? जो चुनाव लड़ रहे हैं या जो चुनाव में हिस्सा बनेंगे उस चुनाव का? नहीं, मेरा स्पष्ट है कि साफ सुथरे चेहरे को जिताइए, दूसरा है कि जनता को भी ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा कि कोई अपराधी नहीं हो, कोई रसूखदार, कोई पैसे वाला चुनाव जीत के नहीं जाए, और स्वाभाविक है प्रतिनिधि जब तक अच्छे जीत के नहीं आएंगे तब तक आपके गांव, पंचायत, जिले, प्रखंड की विकास नहीं हो सकता, इसलिए ये त्रिस्तरीय है, लोकतंत्र को बहुत देर तक रोका नहीं जा सकता था, 15 जून को इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, तो एक वैकल्पिक तौर पर, क्योंकि कोरोना की स्थिति थी तो वैकल्पिक तौर पर हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए एक्सटेंशन किया था, लेकिन चुनाव लोकतंत्र ही एक रास्ता है, चुनाव कराकर लोगों को लोकतंत्र का स्थापना करना चाहिए। और एक मतलब पहला ही सवाल जो मैंने किया था कि कोविड काल से निपटने की तैयारी क्या है, उसमें एक लाइन अगर आप बता सके कि क्या? देखिए, कोविड की पूरी, जिस तरह इलेक्शन जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसी तरह, जिस तरह मास्क लगाना जरूरी है, ईवीएम जो जाएंगे उसको ग्लव्स देने की व्यवस्था है, वो सारी चीजों की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है, क्योंकि सारा चुनाव का फोकस पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग को करना, हम सिर्फ सहयोगी के भूमिका में, हम सारे संसाधन उनको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन सारी व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग को करना है कि कोरोना और बाढ़ से लड़ते हुए बिहार में चुनाव को पूरी शांतिपूर्ण से कराना है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सम्राट चौधरी की बातों से यह स्पष्ट है कि मुखिया इस बार चुनाव में, मतलब मैदान में जब उतरेंगे, सरपंच, प्रमुख, ये सभी का कौन बनेगा आपके इलाके में यह स्पष्ट हो जाएगा दिसंबर के महीने में, लेकिन सवाल वही है कि कोरोना काल में आखिरकार जब बिहार सरकार ने चुनाव कराने का ऐलान किया है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस बात की है, क्योंकि हाल ही में जो यूपी में चुनाव हुआ कहीं उस तरीके का उदाहरण बिहार न बन जाए, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा। सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।